हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम बनाएंगे इडली। तो ये मैंने उड़द की दाल ली है 1 ग्लास, और ये चावल हमें जो है उसे 4 ग्लास लेना है। इस मेजरमेंट के हिसाब से आप चावल को और हमें दाल को भिगा लेना है। तो ये देखिए, मैंने भिगा लिया है। इसे 4-5 घंटे तक भीगे रहने दे, अच्छे से धो के भिगाइएगा। तो ये मेरे 4-5 घंटे बाद मैंने ये डाल दिया है मिक्सर में पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए। थोड़ा सा पानी भी डाल लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखिए, ये मैंने पीस लिया है, और ये हम तो ये कुछ बैटर इसका ऐसा दिखेगा। तो इसके मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुका था। अब इसे 12 घंटे तक हम ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे। और ये हमारा है इडली का बर्तन। इसे मैंने पानी डाला, और खटाई कुछ डाल दीजिए खट्टा सा कि आपका बर्तन ना खराब हो। तो ये है इडली का बर्तन, जिसमें ऑयल लगा लीजिए थोड़ा बहुत। तो ये पेस्ट मैंने ये डाल दिया इसमें जो हमने बनाया था। 12 घंटे कंप्लीट होने के बाद ये कीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने चारों ऐसे भर दिए हैं। अब इसे हम बर्तन में रखेंगे। तो ये मैंने गैस पे रख दिया है, इसे हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे 15 मिनट्स के लिए। और ये मेरा रेडी हो चुका है। इसे आप चक्कू से या चम्मच से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने निकाल लिया है। इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्टी है ये देखिए।